आज हम क्या देखेंगे? आज हम फार्माकोग्नोसी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लगभग आपके 30 क्वेश्चन हम देखेंगे और वो क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप देखो उसको, मैं दिखाता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो लोग चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है? तो टाइम ना बिगाड़ते हुए फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो आपका बैक का कोई चांस ही नहीं है, और बेटर से बेटर अच्छे 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 नंबर आपको मिलेंगे। यस, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब लॉन्ग वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और वीडियो को पूरा देखना, बीच में कोई भी स्किप मत करना। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल एड विद एग्जाम्पल अकेसिया ट्रायोकैंथ एंड जिलेटिन, इसके बारे में बताना है क्या होते हैं, पूरा एक व्यू देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द नोट ऑन सीचर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग विद एग्जाम्पल, जो सीचर्स और सर्जिकल ड्रेसिंग होते हैं उनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा तीसरा? राइट द ब्रीफ नोट ऑन आयुर्वेद सिस्टम एंड डिस्कस द इट्स फॉर्मुलेशन चूर्ण एंड अरिस्ता, अरिस्ता और जो चूर्ण का फॉर्मुलेशन है कैसे बनता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? और आयुर्वेद सिस्टम क्या है, वात पित्त कफ, ये सारा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है? बॉडी किस किस 5 तत्वों से मिलकर बनी है, पंच तत्व जो आता है वो सारा आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है? सब कुछ बताना है। चौथे क्वेश्चन में राइट व्हाट व्हाट आर द रोल ऑफ मेडिकल मेडिसिंस एंड एरोमेटिक प्लांट इन फार्मेसी, जो हमारी मेडिसिंस हैं और एरोमेटिक जो प्लांट है उनका फार्मेसी में क्या रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, कौन सा बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापूटिक यूजेज ऑफ फॉलोइंग ड्रग, कुछ ड्रग्स इंपॉर्टेंट दी हैं, ये सारी ड्रग आपकी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको बायोलॉजिकल रोल, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापूटिक यूजेज इन सभी ड्रग्स के तैयार करके ही जाना है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे पहला आलमंड ऑयल, दूसरा कॉड लिवर ऑयल, तीसरा सैंडलवुड ऑयल, चौथा डाइस्टर एंजाइम, एलोवेरा जेल, विनका, ओपियम, क्लोव, जिंजर एंड असाफोटिडा हींग, इन सभी का बायोलॉजिकल रोल, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापूटिक यूजेस, ये सभी आपको पढ़ के जाना है। फैमिली वगैरह सब चीज़ पढ़ लेना है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ब्रीफ नो एक्सप्लेन नोट ऑन फॉलोइंग ड्रग, जो ड्रग दी है उनको एक्सप्लेन करना है। न्यूट्रास्टिकल टर्म दी है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस टर्म को पढ़ के जाना है, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, सब चीज़ पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, कि कोई भी ड्रग की जो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होती है वो आप कैसे करते हैं, मतलब इट मींस कि जो ड्रग के अंदर जो केमिकल पाया जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करना है आपको 7वें नंबर में। 8वां नंबर, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इन डिटेल, जो क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन था आपका टॉक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, अल्फाबेटिकल, ये सारा क्लासिफिकेशन आपको इस क्वेश्चन में देना है, ठीक? याद आ रहा होगा आपको, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। इसमें भी कुछ ड्रग्स हैं आपकी जो टर्म हैं उन टर्म को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, लेग्जिटिव क्या होते हैं, ठीक है, उसका एग्जाम्पल देखना है, डायुरेटिक्स क्या हैं, लेग्जिटिव पेट साफ करने का मैथड, डायरेक्ट जो टॉयलेट का एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं, कार्बोनेटिव क्या है, कार्डियोटोनिक क्या है, एस्ट्रिंजेंट क्या है, एल्कलॉइड क्या है, ग्लाइकोसाइड क्या है, एंटी डायबिटिक क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है, एंटी मलेरियल क्या है, विटामिन एंटी ट्यूशिप क्या है, वोलेटाइल ऑयल क्या है और टेनेंस क्या है, ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पता होना चाहिए क्या है, इनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल पता होने चाहिए, इतना तो आपको करके ही जाना है। कुछ नहीं पढ़ा जिन लोगों ने, तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आप पढ़िए बुक से, मॉडल से, जो भी आपके पास हो, नोट्स हो, आप उनको देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अब सब कुछ लास्ट चल रहा है, ठीक है? तो इसीलिए पढ़ते रहो। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कंपोजिशन या कंस्टिट्यूएंट एंड थेरापिटिक यूज़, इन सभी ड्रग्स को, इनको भी मैंने बड़ा बारीकी से ढूंढ के निकाला है काफ़ी, ठीक है?
तो इन ड्रग्स को तो आप तैयार करके जाना है। वैसे काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, लगभग 50-60 ड्रग्स हैं, मगर जो मेन मेन ड्रग्स हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको ही मैंने निकाला है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। सब दिए हैं एलोवेरा, अर्जुना, ब्लैक पेपर, ये सब, गोल क्लोव, अर्गट, कोरिएंडर, कर्डमम, करक्यूमा, बालसम ऑफ टोलू, सिन्नामम, अश्वगंधा, हाइपोकिस्मा और ओपियम, बेंजोइन, शार्क लिवर ऑयल, पुनर्नवा, सिन्ना, डिजिटेलिस, सिनकोना और कटेचू, ठीक है। कत्था कहते नहीं, कत्था पान में लगा के आता है, वो है कटेचू आपका, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, बायोलॉजिकल रोल इनका, सोर्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेरापीटिक यूजेस एंड फैमिली, इन सभी का आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो लॉन्ग में आपके आने के चांस हैं। नेक्स्ट है, राइट द नोट अबाउट, ब्रीफ नोट ऑफ इवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग का जो वैल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है कच्ची दवाओं का, उसके लिए आपको नोट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्सप्लेन नोट ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। दवाइयों में मिलावट कैसे हो सकती है, मेन प्रकार दो हैं आपके, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल, एक तो जानबूझ के एक अनजाने में, तो उस सबको आपको इसमें बता देना है पूरे, फिर उसके फर्दर टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन, राइट द नोट ऑन डिफिकल्ट डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मिलावट करने के क्या क्या तरीके हैं, यहाँ तो टाइप पूछ रहा है और सारा मटेरियल पूछ रहा है, यहाँ पे आप उसके तरीके बताओगे, मेथड को एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है, स्कोप क्या है, हिस्ट्री क्या है, पूरा सारा कुछ डाटा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर है। तो ये क्वेश्चन थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो शॉर्ट वाले देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन वोलेटाइल ऑयल विद द एग्जाम्पल। बाष्पीकृत तेल क्या है उसको उदाहरण दें। आप सिलेबस खोल लो या आप कुछ कॉपी पे नोट कर लो इन क्वेश्चनों को। जो बच्चे हिंदी वाले हों तो आप उसको हिंदी में सर्च कर लेना, हिंदी में आपकी सिलेबस में दिया होगा आगे, ठीक है, मैच कर लेना, और इतना तो आपको इंग्लिश पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टर्पिनोइड्स, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है एल्कलॉइड पे नोट देना है। छठवें क्वेश्चन में ग्लाइकोसाइड के बारे में बताना है, एग्जाम्पल वगैरह सब देखना है, इनके टेस्ट भी देखने हैं, इनके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है, ठीक है, ये सब टेस्ट भी देखने हैं इनके आपको। एडल्ट्रेशन के बारे में बताना है, ठीक है, होम्योपैथिक उसके ड्रग्स के बारे में बताना है, सारा मटेरियल इसका पढ़ना है आप लोगों को। डाययूरेटिक्स के बारे में बताना है, डाययूरेटिक्स क्या होती हैं, ऐसी ड्रग्स जो आपके टॉयलेट के एक्सक्रीशन को बढ़ा दें उनको बोलते हैं डाययूरेटिक्स। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रिंजेंट विद एग्जांपल। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, जो ब्लड क्लॉट होने को प्रमोट कराएं या ब्लड क्लॉट कराएं उनको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट, जैसे हमारे फिटकरी। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस डीएनए आरएनए विद इट्स रोल। डीएनए आरएनए को बताना है इसका रोल क्या है वो बताना है। नेक्स्ट, डिस्कस रोल ऑफ एंजाइम एंड इट्स टाइप, एंजाइम के टाइप बताने हैं और उसको बताना है। नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल एड क्या है, एक्सप्लेन करना है उसको, एग्जांपल देने हैं। सीचर्स लिक्सर्स क्या है, नोट ऑन सिद्धा के बारे में बताना है, 15 नंबर क्वेश्चन था। 16 क्वेश्चन है डिफाइन द नोट ऑन डाइट्री फाइबर, डाइट्री फाइबर क्या है उसको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे दो, व्हाट इज लैक्सेटिव एंड पर्गेटिव विद एग्जांपल। लैक्सेटिव क्या है, पर्गेटिव क्या है उसको उदाहरण देने हैं। एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनानी। तो ये हमने देखे थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉग्नोसी या फार्माकोग्नोसी। तो आप एक बार देख लो, ये आपके शॉर्ट वाले हैं सारे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, ठीक है। और ये हैं आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन, इन ड्रग्स का स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ये ओके, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सीनाजी फार्मेसी।